टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपको टाइम देंगे कि बेटा ये लिख लीजिए। रिवीजन का मतलब कुछ लोग सोचते हैं सर दोबारा वीडियो देखनी है। भाई साहब दिमाग थोड़ी खराब है आपका, टाइम थोड़ी है हमारे पास इतना, दोबारा वीडियो ढाई घंटे का या दो घंटे का लेक्चर हमने पहले देखा, नोट्स बनाने के लिए फिर से नहीं। ड्यूरिंग द लेक्चर ऐसी कोई बात जो स्क्रीन पर नहीं लिखी हुई है बट मैं बोल के निकल गया, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बोला कि भैया ये कॉन्सेप्ट आईआईटी जेई में चार बार रिपीट हो चुका है, सर हम लास्ट में ढूंढेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आईआईटी जेई बार बार पूछ रही है, इससे बढ़िया आपने बोला वहीं पर ही जो आप ये रफ नोटबुक है उसमें लिख देना कि भैया स्लाइड नंबर ये वाली स्लाइड नंबर यहां दिखाई देता है बट फिर भी नहीं दिखाई दे तो आपको इतना समझ में आता है। इस सवाल के लिए बोला था सर ने कि बेटा ये वाला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसी कोई भी बात, कॉन्सेप्चुअल बात भी हो सकती है, जनरल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई कई बार मैं देखता हूं कि कुछ लोग ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपको टाइम देंगे कि बेटा ये लिख लीजिए, समझ पा रहे हो, तो सर ऐसा टाइम आप क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज हमारे पास सिलेबस थोड़ा ज्यादा है और समय सवाल ज्यादा करने हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, और रिवीजन और नोट जब एक साथ हो रहे हैं लेक्चर के बाद में, रिवीजन और नोट जब एक साथ हो रहे हैं लेक्चर के बाद में तो उसमें क्या समस्या है भाई? बिल्कुल सही सर, रिवीजन और नोट आफ्टर द लेक्चर, ये सर काम हमें कब कर लेना है वापस, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, टाइम की कमी हमेशा रहेगी सर, ये काम हमें अगली क्लास से पहले करना, अगली क्लास से पहले। अब आप कब करते हो, केमिस्ट्री पहले कर रहे हो कि फिजिक्स बाद में कर रहे हो कि मैथ्स बीच में कर रहे हो या मैथ्स को कल सुबह उठ के कर रहे हो, वो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, इसी से ही पैरेलल में चल पाओगे वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसमें अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो अपने हिसाब से तो कर लीजिएगा, बट ये एक बेसिक डेली पाओ डेली निपटाओ, दिस इज अवर गोल, जो आपको मिला है आज का काम वो अगली क्लास से पहले कंप्लीट, बस। आराम आराम से नहीं, आपके पास टाइम कम है, हर इंस्टेंट पे टाइम कम है, और अगर आपने ये वाला काम 100% किया है तो आप एक चीज फील करेंगे जब आप ये लिख रहे होंगे ना, तो कानों में पीछे मैं आपको बोलता हुआ सुनाई